आपको सबको पता है 21 तारीख को रात को जो घटना घटी है दो गुटों के बीच मुठभेड़ की, उसमें उस समय से लेकर अभी तक टोटल 8 ऑफेंसेस कल तक रजिस्टर हैं हमारे पास और 2 आईटी एक्ट के तहत 2 ऑफेंस रजिस्टर हैं। इसमें अभी तक हमने करीबन 19 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है। बाकी लोगों की पूछताछ अभी तक चल रही है। हम सीसीटीवी और बाकी फुटेजेस देख के उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम शुरू है। तो जो पहली घटना हुई थी 21 तारीख को, उसमें कितने लोग अरेस्ट हुए? उसमें अभी तक 14 लोग अरेस्ट हुए हैं और कुछ लोगों का अभी नाम सीसीटीवी देख के निष्पन्न करके उनको अरेस्ट करने की कार्रवाई शुरू है। और जिन लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की है, कल शाम की भी घटना हुई है, कुछ टारगेटेड ऑटो रिक्शा की दुकानें थी वहाँ तोड़फोड़ हुई है, उस मामले में जो है FIR कितनी दर्ज हुई है और कितने लोग उस मामले में? अभी तक 6 FIR उसमें दर्ज है और उसमें भी अभी तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन है अभी तक 5 या 6 लोग अभी तक अरेस्ट है और बाकी लोग आइडेंटिफाई करने का काम शुरू है। आपको सबको पता है कि पिछले 3 दिन में हमारा पूरा पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में काफ़ी व्यस्त रहा है, उसके कारण सीसीटीवी देख के आरोपी आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने का काम थोड़ा सा जितने तेज़ी से होना चाहिए उतने तेज़ी से हुआ नहीं है, लेकिन हम जैसे ही थोड़ा पीस स्थापित होगा हम सब आरोपी आइडेंटिफाई करके हम उसके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, इससे इन्वेस्टिगेशन की जो ग्रेविटी है उसको समझने के लिए जानना चाहेंगे कि पुलिस जो कितने कैमरे फुटेजेस हैं अंदाजन जिसमें फुटेजेस खंगाल रही है? अभी एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है, लेकिन जहाँ जहाँ इंसिडेंस हुए वहाँ के कैमरेज हम चेक कर रहे हैं कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। 100 से ज़्यादा होंगे? हो सकते हैं, सकते हैं। सर, इस पूरे घटनाक्रम को देखिए, क्या अभी तक पुलिस इस तरह के कुछ एंगल पे जांच कर रही है कि ये एक तरह से कोई साजिश थी या कोई पहले से प्री प्लान था? क्योंकि 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम था देश में, उसके पहले ही प्लानिंग की गई थी किस तरह से अगर कोई आता है तो उस पर अटैक किया जाएगा ताकि कोई हमारे इलाके में ना आए, इस तरह का क्या साजिश इसके अभी तक तो उस बारे में ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं कि ऐसा कुछ है, लेकिन जब पूरा इनको इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या उसमें घटनाक्रम में क्या क्या उसका ये था बैकग्राउंड था। 22 तारीख को जो दूसरा इंसिडेंट जो हुआ स्टोन बेल्डिंग का बैक रोड पर, उसको लेके क्या ये भी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा कि जो इतनी मात्रा में जो पत्थर है वो एक साथ लोगों के पास आना जमा करना वो कहीं ना कहीं एक्चुअली आप अगर वो एरिया का लोकेशन देखोगे रेलवे पटरी है वहाँ पे पत्थर ऑलरेडी पड़े रहते हैं, तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ ये है, पत्थर पड़े रहते हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इतना जो सफिशिएंट टाइम है वो हमको मिला ही नहीं, कंटिन्यूस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरे बिजी रह गए हम, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली ये था। सर, वो रैली में बंदूक भी दिखाई गई थी, कुछ उसका पता चला, एक वीडियो वायरल हुआ था वो बंदूक के बारे में, हमारे क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन किया है और वो फाइनली प्लास्टिक का खिलौना था जो दिखा के रील वो बनाई गई है, उसमें हमने इंक्वायरी किया है। हाँ, उसमें आइडेंटिफाई किया है। सर, एक मैसेज में आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जितने भी जो पिछले कई सालों के बाद जो है या फिर मैं कहूँगा बहुत सालों में पहली बार बिगावर में इस तरीके की घटना हुई है हिंसा की, तो जो भी हुड़दंगी है दंगाई है इन लोगों को बिगावर पुलिस की तरफ से MBBP पुलिस की तरफ से कोई सख्त संदेश, कोई चेतावनी क्या रहेगी? बिल्कुल रहेगी। हमने पहले ही बताया कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, जो भी गलत काम में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हम कर रहे हैं। और मैं आपके सबके माध्यम से सबको अपील करना चाहता हूं कि देखिए, इन्वेस्टिगेशन आरोपी पकड़ना ये तो काम है और लंबा चलेगा, लेकिन इस वक्त शहर की शांति बनाए रखना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है कि इतने सारे वीडियोज, इतने सारे शूटिंग, इतने सारे वायरल होते हैं, उसके कारण जो लोगों को कुछ पता भी नहीं उनको भी उसके कारण इन्वेस्टिगेशन होता है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको कैसा कंट्रोल किया जाए, जितने हो सके जितने डिलीट कर सकते उतने हमारे साइबर सेल से हम डिलीट भी करने का ट्राई कर रहे हैं, फिर भी व्हाट्सएप में जो मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं उसको रोकना बड़ा ही कठिन काम है। लेकिन आपके माध्यम से मैं आप सब लोग को अपील करता हूँ कि आप सब लोग, आपके माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट हमारी है कि ये ऐसी चीज़ें ना करें ताकि समाज में जो शांति का माहौल है, जो भाईचारे का माहौल है, वो बिगड़े नहीं। क्योंकि आपको पता है परसों हमारा
रिपब्लिक डे भी है, 26 जनवरी का भी बंदोबस्त रहता है, बाकी भी कुछ आंदोलन राज्य में चल रहे हैं, ये सबके चलते। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कि ये शहर में कभी इतना कम्युनल का कोई प्रॉब्लम बहुत सालों से कभी हुआ नहीं है, तो अभी हुआ है, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो आप सब लोग का कॉपरेट करेंगे, सब जो शुद्ध नागरिक है वो कॉपरेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि पहले शांति बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और एक्यूजेस अरेस्ट करना और बाकी चीज़ें हम करेंगे। सर, क्योंकि सख्त कार्रवाई की जो बात है वो तो अभी जो केस हो चुका है उसके बारे में है, लेकिन एक मैसेज, एक सवाल ये भी था कि फ्यूचर में कोई ऐसी हिम्मत ना करे, उसके लिए पुलिस क्या चेतावनी देना चाहिए, क्योंकि देखा ही गया कि लोगों में पुलिस का बहुत शायद नहीं था, शायद इस वजह से वो सड़कों पे आकर के उन्होंने खुलेआम इस तरीके से वादा को अंजाम दिया, तो आगे ना हो इसके लिए क्या चेतावनी? हमारे पास हमने बाहर से भी फोर्स मंगाया है, हमारे पास 6 प्लेटून SRPF के है, RAF के 3 प्लेटून हमारे पास है, और हमारे लोकल पुलिस और असिस्टेंट्स भी हमारे पास है। हम नाकाबंदी, पेट्रोलिंग और जो भी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन हम डेफिनेटली करेंगे। और मैं ये आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अभी इतना टाइम मिला नहीं है कि सब बातें चेक करने के लिए, अभी जो CCTV फुटेज देख के अरेस्ट करने का काम शुरू है, जब भी पता चलेगा, जब भी हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे, उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा। IT Act केसेस में एक केस में फेसबुक पे कुछ प्रोवोकेटिव एक वीडियो प्रसारित किया गया था, और एक केस में इंस्टाग्राम पे कुछ प्रोवोकेटिव